समझ में आए वो सब टाइटल सुन सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इधर लिखा हुआ है दिस कुड गो, दिस कुड वेल गो डाउन। सब कोई इंस्टाग्राम वाले जूम पे आ रही है उनको नहीं दिखेगा ये सब, जो मैं दिखा रहा हूँ वो जूम पे ही दिखेगा, इंस्टाग्राम वाले को नहीं दिखेगा वहां पे। तो प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पे रहेंगे तो आप लोग मिस करोगे। दिस कुड वेल गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्स्ट प्रेडिक्शन एवर मेड बाय अ सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट, वर्स्ट एवर प्रेडिक्शन बाय अ सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट। क्या प्रेडिक्शन किए थे उसने, सुनिएगा। सबटाइटल्स भी आप लोग देख सकते हैं, मैं साउंड भी दे दूंगा। ये जुलाई में, आज से 15-20 दिन पहले, जो बाइडेन ने एक ठो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, जो सब स्टूडेंट बताएंगे, जस्ट आप लोग ठीक से देखते जाइए। जो बाइडेन ने ये वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, एक सेकेंड रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं पहले आप लोग के साथ, कुछ भी किसी को दे, हाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये कर दिया मैंने स्क्रीन शेयर। अब आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन शेयर, दिख रहा होगा अब, दिख रहा होगा आप लोगों को शायद स्क्रीन, सब ओके है, राइट राइट। तुषार देखते रहना, बताते रहना। चलिए लेट्स सी दिस प्लीज, 1 मिनट 14 सेकंड का है, ठीक से देखिएगा, फिर इसको हम देखेंगे। रिपोर्टर पूछ रहा है जो बाइडेन से, ठीक से देखिए। देखिएगा, नोट करिए, जिसके पास कॉपी पेंसिल है नोट करो। 3 लाख आर्मी है अफगानिस्तान के, एयरफोर्स तालिबान के पास 75,000 है, उड़ाने के लिए बस पतंग है सिर्फ। इंस्टाग्राम वाले फेसबुक पे जूम पे आ जाइए, बेटर रहेगा। साउंड प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है, जो सबटाइटल्स वो पढ़िए की बात है, सबटाइटल्स पढ़िए, इसीलिए सबटाइटल वाला दिया है, मेरे को पता है साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक से समझिएगा, जो जो इसने बोला है वर्स्ट एवर प्रेडिक्शंस है। सब टाइटल है एकदम बढ़िया से। सब कोई इंस्टाग्राम छोड़ के उस पे आ रही है, जूम पे आ जाइए, जूम पे आ जाइए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्स्ट एवर प्रेडिक्शन बाय अ यूएस प्रेसिडेंट एवर। उसने बोला, उसे पूछा गया क्या तालिबान अमेरिका को, तालिबान अफगानिस्तान को खा सकता है, बोला कैसे यार, 3 लाख अफगानिस्तान आर्मी को मैंने रेडी किया है, 3 लाख आर्मी अफगानिस्तान का है, प्लस एयरफोर्स है उनके पास, 3 लाख के साथ एयरफोर्स है, और तालिबान 75,000 है, दे डोंट स्टैंड अ चांस। 3 लाख प्लस 75,000, 3 लाख है बेटा, 3,000 नहीं है, 3 लाख है, 3 लाख प्लस एयरफोर्स है अफगानिस्तान के पास, और तालिबान सिर्फ 75,000, कोई चांस नहीं है। वियतनाम क्या ये, बोला वियतनाम क्या बोल रहे हो यार, वियतनाम जिनको नहीं पता अभी के जनरेशन को, एक तो अमेरिका का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था अफगानिस्तान की तरह, वहां गया और जाके अफगानिस्तान, वियतनाम में भी अमेरिका बहुत बड़ा हार हुआ था। फिर उसको बोला क्या काबुल को ले सकता है ये, काबुल को ले सकता है तालिबान, बोला नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, सब कुछ बेटा श्रेयांश धानुका, तुम थोड़ा अपना ज्ञान अपने पास ही रखो तो अच्छा रहेगा, पहले क्लास होने दो उसके बाद तो मैं इसको एक बार कर दूंगा होस्ट एवरी, सब कोई को और डिस्टर्ब कर तो नहीं, सब बोल बोल के। हाँ प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अभी कहानी बहुत अच्छा बाकी है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये सब प्रेडिक्शन उसने कब किया, ये सब प्रेडिक्शन उसने किया अभी 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 किया है जुलाई में, और सब रॉन्ग हो गया, सब रॉन्ग हो गया उसका। चलिए फर्स्ट एवर इसका प्रेडिक्शन, अब देखिये मैं आपको मोदी जी का भी स्पीच सुना रहा हूँ, मोदी जी का भी स्पीच है। ये 2015-16 में गए थे अफगानिस्तान, आपको शायद पता नहीं होगा, मेरे को भी थोड़ा पहले ही पता चला प्रॉपरली, अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो लोकसभा राज्यसभा है, इंडिया ने गिफ्ट दिया उनको, इंडिया ने बना दिया लोकसभा राज्यसभा, वहां का एक पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे भी डाला गया है, और मोदी जी ने वहां जाके सबसे फेमस जो पठान है हिंदी मूवी का, वो क्या था पठान, क्या रहा था यार वो, यार सुझाते रुके, ये पठान का गाना भी गाता, देखिएगा देखिएगा। Each of our honor.
हिंदी सिनेमा मोस्ट फेमस पठान कैरेक्टर शेर खान सिंह यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। ये इंडिया ने जब इंडिया गया था वहां पे इंडिया ने मोदी जी ने हमने गिफ्ट दिया उनको पार्लियामेंट बिल्डिंग तब ये गाना गाए थे हम लोग। चलिए ये हम लोग जान रहे हैं हमने उसका देख लिया। पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा अफगानिस्तान के बारे में। आप लोगों को सबको पीपीटी दिख रहा होगा देखिए ध्यान से अफगानिस्तान कहाँ पे है भाई। ये रहा इंडिया, आप लोग ठीक से देख रहे हैं ये मैप। ये इंडिया रहा, बगल में पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल कौन सा है? अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल है। थोड़ा स्टाइल में बोल रहा हूँ, याद रहेगा काबुल है पाकिस्तान का अफगानिस्तान का कैपिटल। जिन लोग स्टूडेंट है, जिन लोग टीएफआई से कर रहे हैं, उन लोग प्लीज कॉपी पेंसिल नोट करिए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, फिर आप लोग से क्वेश्चन आंसर बातें पूछेंगे। इंडिया के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कैपिटल है काबुल। काबुल को, अफगानिस्तान को वेलकम टू अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बोला जाता है, कब्रिस्तान बोला जाता है। बड़े बड़े राजा, बड़ा बड़ा एम्पायर का अफगानिस्तान क्या बोला जाता है? शमशान, कब्रिस्तान बोला जाता है। यहाँ पे कोई रह नहीं पाता है। जो भी आदमी अफगानिस्तान जाता है हार के आ जाता है, ट्राई करता है। ब्रिटिश, मुगल्स, अलेक्जेंडर बोला आए, सबको इन्हें रूल किया, बट प्रॉपरली अपने हाथ में नहीं ले पाए। अब जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पर इतना रूल किया, मुगल इंडिया रूल किया, अफगानिस्तान के ऊपर कोई भी अच्छे से प्रॉपरली रूल नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया अफगानिस्तान के रूल? इसीलिए वहां जो आते हैं हार के फिर दुखी होकर चल छोड़ देते हैं। जो भी रूलर बाहर का राजा आया इसको रूल करने के लिए, क्यों? क्योंकि आपको पता है वहां जो जमीन है, पहाड़ पहाड़, माउंटेन ही माउंटेन है, इतना रगेड टेरेन है और डेजर्ट है, इतना डेडली कॉम्बिनेशन है ना, इतना वेदर और एटमॉस्फेयर वहां पे जो जमीन है वो इतना खराब है कि बाहर का आदमी पे टिक नहीं पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता। वहां के जो लोकल आदमी लोग ना वही वहां रह पाते हैं। तो कोई भी रूलर बाहर से है वो अफगानिस्तान और वो नहीं कैप्चर कर पाए प्रॉपरली। थोड़ा बहुत मुगल्स ने किया था बट उन्होंने भी ज्यादा दोस्ती यारी करके रहा था, कब्जा में नहीं कर पाया था। अब ठीक से सुनिएगा, ये मैं अपने ध्यान में रखिएगा। अफगानिस्तान के मैं हजारों साल पुरानी स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, मैं अभी आपको करंट सिचुएशन बताऊंगा जो हो नहीं सकता, जो इतिहास में जो अभी सब कुछ हो गया है। तो आप लोग ठीक से समझिएगा, अफगानिस्तान जैसे इंडिया में रूल कर रहा है, ब्रिटेन इंडिया में रूल कर रहा था ब्रिटिश, अब इंडिया छोड़ के चला गया। अफगानिस्तान लोग का है, अफगानी लोग का है, वहां पे रूल करता था एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसका नाम था तालिबान। 1996 से 2001 पांच साल तक तालिबान रूल करता था। अब उस बारे में और बहुत हिस्ट्री है, मैं नहीं जा रहा हूं अभी, मेरे को आपको अभी का करंट सिचुएशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अफगानिस्तान के ऊपर 1996 से 2001 तक कौन रूल किया? पांच साल तालिबान रूल किया। दिस तालिबान आर वेरी 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 स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ पीपल। उन लोग जो शरिया फॉलो करते, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। वुमेन लोग को बिल्कुल ही आजादी नहीं है, बाहर नहीं निकलना, गाना नहीं सुनना, कुछ चोरी करे तो हाथ काट देना, मतलब दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सो अफगानिस्तान में 2001 में कौन रूल करता था? तालिबान। और उसी टाइम आप लोग को पता है 2001 में वर्ल्ड में ऐसा घटना हुआ था जो कोई नहीं भूल सकता। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ 2001 में अमेरिका में। इसका स्टोरी कभी और करेंगे, इसके ऊपर बहुत अच्छा स्टोरी बात करेंगे। 2001 में अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, और अमेरिका को लगा कि जो किया है उसका नाम है ओसामा बिन लादेन और वो अफगानिस्तान में छुपा हुआ है। 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक अमेरिका में, तो अमेरिका आग बबूला हो गया गुस्सा से, वाजिब है, होना भी चाहिए, और उसको पता लगाया कि ये सारे आदमी लोग जो है ओसामा बिन लादेन और इसके जो सब टेररिस्ट अफगानिस्तान में छुपे हुए। ये सितंबर 2001 का बात है। अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, अक्टूबर 2001, आज से 20 साल पहले का बात है। क्यों? क्योंकि ओसामा बिन लादेन और टेररिस्ट को निकालना था। अब अफगानिस्तान तो पुअर कंट्री है, वहां पे तो सिर्फ खंडर है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, लोग लड़ते होते हैं बट उनके पास अस्त्र शस्त्र वेपन्स हथियार नहीं है ऐसे। अमेरिका आया, ऊपर से प्लेन लाया, टन 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 करके 2001 में मारता गया। अफगानिस्तान के पास उड़ाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, उसके पास पतंग उड़ाता है बेचारा, वो पतंग उड़ाता रहेगा, ऊपर से मार दिया, खेला खत्म हो गया। अब
2001 से अमेरिका का सेना मिलिट्री आर्मी वहीं पे है, क्या कर रहा है वहां पे 2001 से, उसको कौन चाहिए, ओसामा बिन लादेन चाहिए। बोला जहां भी हम तुमको मारेंगे। तो ओसामा बिन लादेन को तो कौन रूल कर रहा 2001 में, तालिबान। तालिबान जब रूल कर रहा था 2001 में, अमेरिका के उड़ा दिया उन लोग को, और अमेरिका उड़ाने के कारण तालिबान वहां से भागा पड़ गया। अब तालिबान जो वहां से भागा तो वहां पे रूल कौन करने लगा, वहां पे रूल करने लगा अमेरिका ही, वहां कोई लोकल लीडर लोग को बैठा दिया, अब तुम लोग रूल करो क्योंकि हमको चाहिए ओसामा बिन लादेन, हम यहाँ पे रहेगा थोड़ा दिन तक, और उस तालिबान उड़ गया। 2011 में, समझ रहिएगा टाइमलाइन समझिएगा, 2001 के बाद 2011 में जाके ओसामा बिन लादेन मरा। 10 साल लग गए ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए। तब तक अमेरिका कहां बैठा हुआ था, अफगानिस्तान में ही, जहां भी खबर मिलता वहां उड़ाता, जहां मिलता वहां उड़ाता। 10 साल लगे ओसामा बिन लादेन। मैं आप लोग रिकमेंड करूंगा एक मूवी है जीरो डार्क थर्टी है, वो इंग्लिश पिक्चर है, जरूर ट्राई करिएगा। ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा गया, क्या मारा गया, वो पाकिस्तान में मिला, लेकिन आप लोग को पता है पाकिस्तान एकदम बगल में है, पाकिस्तान एकदम बगल में ही है अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान में नहीं छुपा हुआ था, वो पाकिस्तान में, कभी पाकिस्तान जाता कभी अफगानिस्तान जाता, तो मार दिया। अब 2011 में जब मिशन सक्सेसफुल हो गया, उन्होंने अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन मार दिया, अब धीरे धीरे ओसामा क्या करने लगे, वहां से उन लोग अपना सेना को वापस बुला लिए। 2010 में 1 लाख सिपाही, 1 लाख सोल्जर्स थे अमेरिका के, कहां पे 1 लाख सोल्जर्स थे अफगानिस्तान में, 1 लाख सोल्जर्स, और धीरे धीरे वो कम करने लग गया। अब वो तालिबान जो है, तालिबान को निकाल दिया था उन्होंने 2001 में ही। अब तालिबान अपना बेचारा देखिए, आपको दिखा रहा हूं तालिबान कहां था, ये ब्राउन वाला जो पास है, ये ब्राउन वाला पार्ट है तालिबान का, कुछ ये अफगानिस्तान है, कुछ एक पार्ट में ही तालिबान था, क्योंकि सारा पास या तो गवर्नमेंट के पास था, गवर्नमेंट किसका हुआ, अमेरिका का ही, तो अमेरिका का ही गवर्नमेंट था, उसका ही कंट्रोल था, उसका पावर था, उसका मिलिट्री था, सेना था, टैंक थे, फाइटर जेट्स थे, सब था, और तालिबान छोटा छोटा पार्ट्स में रह गया। लेकिन तालिबान क्या बोला, बेटा तुम कितना दिन यहां रहोगे, रहो आज रहोगे, तुम्हारा कल रहोगे, 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल हम वेट करेंगे, जिस दिन तुम जाओगे उस दिन हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने क्या कहा, अफगानिस्तान को आज तक किसी ने प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया, इट इज कॉल्ड अ ग्रेवयार्ड ऑफ व्हाट सिविलाइज्ड एम्पायर, शमशान है, कब्रिस्तान है बड़े बड़े राजाओं के लिए। तो तालिबान जैसे फाइटर लोग जिनके पास कुछ नहीं है, बस मरने मारने का इच्छा है, जोश है कि या तो डू और डाई वाला चीज है, उन्होंने बोला हम वेट करेंगे तुम कितने दिन रहोगे। आखिर में धीरे धीरे करके जो 2010 में 1 लाख सिपाही थे अमेरिका के, वो 5,000 कम किया, 7,000 कम किया, 8,000 कम किया, 12,000 कम किया, कम करते गया। अब वहां पे मुश्किल से 3,500 ही आदमी रह गए, अमेरिका के कितने आदमी रहे, 3,500 रह गए। लेकिन वो 3,500 जो आदमी थे ना, वो बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट था, वो मॉरल था, अरे पीछे में है मेरा, अमेरिका के सोल्जर्स है, अमेरिका के सोल्जर्स है अफगानिस्तान में, संग में उनके प्लेन्स है, फाइटर जेट्स है, सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट है, ड्रोन्स है, तो वो शांति है। तालिबान वेट कर रहा है। 2017 में देखिए तालिबान के पास ज्यादा टेरिटरी नहीं था। अब क्या हुआ, जो बाइडन आया और इसने एक तो बहुत बड़ा शायद गलती कर दिया, इसने बोला हम क्यों रहे, हमको ओसामा बिन लादेन मारना था, मैंने मार दिया, अलकायदा का टेरिटरी में वो कम गया, अब मैं 20 साल से वहां पे हूं, अब मैं और वहां नहीं रहूंगा, मैंने कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिया, मेरे इतने सिपाही मर गए, हम लोग को बेकार वहां पे पड़ा रहना है, निकालो। अचानक में क्या किया, जुलाई में उसने एक साथ बोल दिया सारा आदमियों को निकाल दो वहां से, 3,500 ही आदमी, 3,500 सिपाही अमेरिका के, लेकिन वहां कहां से निकाला गया, वहां पे लिखते रहे ना इंस्टाग्राम दोज़ हू वांट टू फॉलो, अमेरिका ने क्या किया, सारे अपने सिपाही को निकाल दिया। जहां तालिबान ने देखा कि अमेरिका गया, बस उसको तो खाली गोल मिल गया, ओपन गोल मिल गया, और वो टनाटन डाक किया, उसने तो धमा मचा दिया। अमेरिका क्या सोचा, अमेरिका सोचा 3 लाख आदमी है, 3 लाख सोल्जर्स है किसके, मैं 3 लाख सोल्जर्स अमेरिका ने अफगानिस्तान आर्मी को ट्रेन करके रेडी करके रखा था, 3 लाख, तो बोला 3 लाख आदमी को ट्रेन कर दिया है, जो लोकल है अफगानी, उनको प्रॉपरली सामान दे दिया है, हेलमेट दे दिया है, बंदूक दे दिया है, नाइट विजन दे दिया है, ड्रोन दे दिया है, फाइटर जेट्स दे दिया, सब दे दिया मैंने, 3 लाख वो है, 75,000 वो है, या क्या बोलते तालिबानी, तो बहुत है, कुछ नहीं होगा। वो निकले, सबको ही बोले यार मत जाओ एक साथ,
मॉरल टूट जाएगा, तुम गलत काम कर रहे हो। जो बाइडेन को बोला, जो बाइडेन बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, हम लोग कही ना यार 3 लाख है, हम लोग चले जाएंगे तो क्या है, 3 लाख तो है, अभी पंखा करो एसी बंद करो, 3 लाख है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो बोल दिया कि चले जाएंगे। अब देखिए क्या हुआ, 3 लाख आदमी को छोड़ के गया, लेकिन समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, सबके सब भाग गए, सबके सब। अब तालिबान अटैक करना चालू हुआ, 9 जुलाई को देखिए ब्राउन कलर का देखिए इतने थे, 12 अगस्त को वो ब्राउन कलर बढ़ते ही गए, विद इन 1 मंथ कितने सारे ब्राउन कलर बढ़ गए। ब्राउन कलर कौन है, तालिबान वाले, मतलब अफगानिस्तान की आर्मी कर क्या रही है, उसको तो रखा गया था उनसे लड़ने के लिए, उनके लिए 3 लाख को 3 लाख सेना और यहाँ पे 75,000 और 3 लाख फुल्ली ट्रेंड प्रॉपर इक्विपमेंट, और वो 75,000 कौन है, ऐसे ही रास्ता चलते हैं लोग, सिर्फ बंदूक है उनके पास, हो अल्लाह करते चलते हैं अट्रेंड। तो लेकिन उनमें इतना जोश, मरने वाले का उतना इच्छा, एक एक करके कैप्चर कर, हम भी देख रहा था, हम लोग तो देखिए हम लोग का न्यूज ही देखते थे, हम लोग बोला एक एरिया लिया, दो लिया, अरे छोटा सा एरिया है, नहीं नहीं क्या फर्क पड़ता है, तालिबान कभी नहीं आएगा, जो बाइडेन भी बोला था कभी नहीं होगा यार, कोई नहीं कर सकता, अफगानिस्तान सेफ है, तालिबान कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो हुआ वो तो हम लोग सोच ही नहीं सके। ये देखिए ये मैप मैंने परसों से ऐसे लेना चालू किया है, और जितनी बार लिया उतनी बार मैं शॉक में, ये देखिए ये क्या हुआ, एक 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 रेड वाला स्पॉट, काबुल को 13 अगस्त तक, मतलब परसों तक ये रेड स्पॉट सारे तालिबान लिए। अरे ये तो लग रहा है खाली गोल है, खाली गोल क्यों है, गोलकीपर ही नहीं है, गोलकीपर कौन, अफगानिस्तान आर्मी छोड़ छाड़ के भाग गया, बोला ले लो हम लोग को नहीं लड़ना आपसे, आप लोग को हमलाना जान छोड़ो। तो अमेरिका बोला अफगानिस्तान आर्मी उनको प्रिपेयर क्यों किया अगर तुम उसे लड़े ही नहीं तो। ये देखो रेड 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 चारों तरफ रेड, ये सारा एरिया 13 अगस्त को परसों तक कौन ले लिया, अफगानिस्तान का आर्मी लिया। यहाँ पे देखिए कौन है, कबूल, मैंने क्या कहा अफगानिस्तान का कैपिटल कौन है, कबूल है। जैसे हम क्या बोलते थे, बाहर से कोई भी सेना इंडिया अटैक करता था, मुगल मंगोल शेर खान जो भी अटैक करते थे, उन लोग क्या करते थे, एक ही जगह उनको एक ही चाहिए होता था, कौन सा था, दिल्ली, जिसका दिल्ली उसी का हिंदुस्तान, जिसका काबुल उसका ही अफगानिस्तान। सब कोई को क्या चाहिए, दिल्ली चाहिए, दिल्ली मतलब हिंदुस्तान, उसी तरह से काबुल चाहिए। मैं परसों देने गया था, परसों जब मैं स्पीच दिया मैंने बोला काबुल से बहुत बुरे हैं, आ रहे हैं, टाइम लगेगा, चलो सारा आर्मी अगल बगल वाले आर्मी छोड़ दिए होंगे, काबुल में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान आर्मी है, वो नहीं छोड़ेगा, वो पकड़ के रखा है काबुल में। फिर और पास आ गए, मैंने 1 घंटे बाद देखा तालिबान और पास आ गया, उसने गजनी लिया, गजनी देखिए नीचे में है, गजनी जो है काबुल ठीक नीचे में है, परसों मैंने देखा उसने गजनी ले लिया, गजनी कैप्चर कर लिया, गजनी इज कॉल्ड द डोर ऑफ काबुल, काबुल जाने के लिए डोर है ये दीवार, ये दरवाजा जहां से काबुल जाते हैं 100-150 किलोमीटर दूर है, गजनी गया मतलब काबुल तो है आज नहीं तो कल, हो क्या है, मतलब अमेरिका भी समझ पा रहा है कि मतलब आर्मी कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, फाइटिंग ही नहीं हो रहा है, सब छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं। एनाकोंडा जो होता है स्नेक, सांप, सांप क्या करता है, अपने शिकार को इस तरह चारों तरफ घेर लेता है, उसी तरह से कोई जन बोला था कि काबुल को उन्होंने एनाकोंडा की तरह घेर लिया है, एक एक करके चारों तरफ ले रहे, बोले काबुल तुमको लास्ट में लेंगे, पहले हम तुम्हारा चारों तरफ का बोलते हैं सिपाही को खत्म कर देते हैं फिर करते हैं इसको, एक एक करके उन्हें सबको ले लिया। अब देखिए क्या हुआ, सीन को देखिए गजब कहां से हुआ, फिर आप लोग को जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं मैं फिर आपको बुलाऊं, जूम आईडी और पासपोर्ट लगा हुआ है, आप लोग जूम आईडी पे जाइए, जूम आईडी पे आइए क्योंकि वहीं पे प्रॉपर आपको दिखाई देगा सारे, मैं ग्राफिक और मैप दिख रहा हूं। अब देखिए सीन बहुत, सबको अमेरिका को बोले 4 दिन पहले ट्यूजडे को जो बाइडेन को कि सर अब तो आपको लग रहा है ना कि आपने गलती की, आपने इतना सारा आदमी को बुला लिया, 3 लाख आदमी लड़ने को रेडी हो सकते हैं और उनका मॉल टूट गया है, हम लोग का जैसे सचिन चला जाता था, विराट चला जाता था, तो बैट्समैन लोग है नीचे इंतिल भी लगता रहे सचिन गया यार कौन खेलेगा, तो मॉरल टूट गया, सचिन अगर इंजर्ड हो जाता लगता रहे सचिन नहीं है टीम में क्या हो गया, मेसी नहीं है टीम में तो ऑटोमेटिकली उनको लगा कि बार्सिलोना का क्या टीम खराब हो गया, वो तो मॉरल सपोर्ट, एक आदमी कुछ नहीं करे बट मॉरल बहुत जरूरी है। उसी तरह से वो 3 लाख सिपाही लोग बोल रहे हैं कि जो अमेरिका का आर्मी था वो ही हमारे मॉरल सपोर्ट था, आपने उसको ले लिया, तो अमेरिका बोला हम प्लेन से अटैक करता है तालिबान के ऊपर, अब प्लेन से कहां से अटैक करे, देखिए अब मैप कुछ देखिए, अब प्लेन से अटैक कर, अमेरिका तालिबान के ऊपर 4-5 दिन तक अटैक कर रहा था,
किससे अटैक करा था? प्लेन से। पहले तो अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में उड़ते थे 10 मिनट के अंदर मार के आ जाते थे। अब वहां से भाग गए सारे अमेरिका निकले वहां से, अब वो कहां से जाके मारे? अब उनका प्लेन खड़ा है कतार में, ये देखो ठीक से, ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे यूएई है, इधर है कतार। अमेरिका के प्लेन यहां खड़े हैं, यहां से उड़ते हैं और रात को ये समुद्र क्रॉस करते हैं, फिर पाकिस्तान का एयर स्पेस जाके अफगानिस्तान को मारना पड़ता है। ये लंबा जर्नी हो गया। पहले तो क्या था, महीना भाई पहले तो अफगानिस्तान में ही थे, तो अफगानिस्तान में मार देते थे तालिबान के ऊपर प्लेन, फाइटर प्लेन से ऊपर से अटैक कर देते, एयर स्ट्राइक देते। अब वो नहीं कर पा रहे हैं, अब नहीं कर पा रहे हैं कि कतार से उड़ना पड़ता, सी क्रॉस करो पाकिस्तान जाओ, टाइम लग जा रहे हैं। तो फायर पावर एयर अटैक इतना इफेक्टिव नहीं है। तो सब कोई जो बाइडेन को बोले कि यार आदमी भेज दो, गलत की हो तुम आदमी भेज दो। जो बाइडेन ट्यूजडे रात को बोला, नहीं हमारा डिसीजन गलत नहीं है, आई डोंट रिग्रेट, वी विल नॉट सेंड इट। अब क्या किया, जब ट्यूजडे कुछ सीन अलग था, वेंसडे थर्सडे में और सीन खराब गया, तब जो बाइडेन ने कहा ठीक है मैं काम करता हूं, मैं कुछ अपने आर्मी भेज रहा हूं फ्राइडे रात को 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फ्राइडे परसों रात को। मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि ये सब हिस्ट्री बुक्स में आएगा, हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि दिन में एक घंटा में हम लोग लाइव ये सब देख रहे थे। फ्राइडे रात को 8 बजे अमेरिका सेना वापिस पहुंचा अफगानिस्तान, जो सब कोई निकल गए थे सब वापिस आ गए, ज्यादा आ गए इनफैक्ट। तो बेइज्जती हो गया ना जो बाइडेन का, 2 दिन पहले मैं नहीं भेजेगा। जो बाइडेन क्या बोला, मैंने सेना क्यों भेजा है, इसे नहीं भेजा कि वहां पर लड़ाई करने के लिए, मैं भेज रहा हूं जितने वहां के आदमी लोग हैं, मेरे जो यूएस के आदमी लोग हैं, डिप्लोमैट्स, एम्बेसडर, राजदूत, ऑफिशियल, जो भी आदमी लोग हैं सब कोई को वापिस ले आने के लिए। तो मैं लड़ाई करने नहीं भेज रहा हूं, मैं अपने आदमी लोग को सेफली बाहर, जैसे वो भेजते ना अक्षय कुमार को एयरलिफ्ट मूवी, एयरलिफ्ट मूवी तो अक्षय कुमार सिविलियन था, तो पिक्चर में देखते ना अक्षय कुमार जाता है एकदम डेयरिंग लेके जाता है, वहां उठा के लाता है, बोला मैं आज कमांडो और सोल्जर जाए उनको लेके आ रही है। तो बोला उन लोग लड़ाई करेंगे? नहीं नहीं लड़ाई नहीं करेंगे, हाँ सेल्फ डिफेंस में होगा तो गोली चला देंगे। मतलब वो अपना इज्जत बचाने के लिए अभी तो भेजना ही पड़ा, लेकिन ये नहीं बोला कि वो वापिस जा रहे लड़ाई के लिए, सेल्फ डिफेंस ले जा रहे हैं। तो फ्राइडे रात को 8 बजे पहुंचा, 5,000 पहले 3,500 पहुंचे हैं, लेकिन तब तक अफगानिस्तान आर्मी का पूरा मॉडल टूट गया। मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल करिएगा, मैं भी दिखाऊंगा एक टॉक अभी, सॉरी मैं दिखाई दूंगा। अफगानिस्तान आर्मी नॉर्मल आर्मी नहीं है, लगे आपको पूरा वेट जो पिक्चरों में दिखा ना अमेरिका का, एकदम सूट पहन के, हेलमेट लगा के, चश्मा लगा के, गोगलास वोगलास गोगल फोगल लगा के, क्यों है वैसा आर्मी, पूरा अफगानिस्तान आर्मी वो भाग गया है। अब मैं दिखा रहा हूँ एक बार, रुकिए दिखा रहा हूँ, ये देखिए पहले मैं दो दफे वापिस से बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम वाले जूम पे आ जाइए, ये देखिए पीएम मोदी टू अफगानिस्तान, यार ही है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, इंडिया बहुत बड़ा खतरा आने वाला है अभी देखिएगा आगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये इंडिया क्या था, अब यूएस सेंडिंग मोर ट्रूप्स टू अफगानिस्तान, ये कब का आर्टिकल है, ये परसों का से शुक्रवार का आर्टिकल है, मतलब सब में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, यूएस भेजना पड़ा उसको। आगे देखिए, लेकिन सब कोई कहां पहुंचने के करके, हम लोग देख रहे थे टीवी में, कौन गिरा, तालिबान कैप्चर्स द मोस्ट स्ट्रेटजिक गजनी सिटी, गजनी 12 तारीख का बात, आज 15 तारीख है, 12 तारीख को मतलब थर्सडे को मैं देख रहा कि क्या हो रहा है, 11 बजे गजनी सिटी, गजनी इज नोन एज अ गेट टू काबुल, लिंकिंग दिस टू ऑटोमेटिकली गया, तालिबान टेकन गजनी 100-150 किलोमीटर दूर। ये देखिए अफगानिस्तान इज अनरैवलिंग, अफगानिस्तान टूट रहा है, खुल गया है, बाइडेन सेज ही हैज नो रिग्रेट, पीस टॉक्स आर फेलिंग, तालिबान इज एडवांसिंग, अफगान मिलिट्री इज हेल्पलेस, सब बेकार। मतलब सोच, मैंने जुलाई वाला वो आपको जो स्पीच है वापस सुनाऊंगा जो बाइडेन ने जो कहा, अब इंडिया क्या बोला, अफगानिस्तान में रह रहे प्रिय भारतीयों, पहली फुर्सत में अफगानिस्तान छोड़ दीजिए, हालत ठीक रहे तो फिर चले जाइएगा, अभी लौट आइए, सलाह मान लीजिए, अभी लौटना आसान है, बाद में कहीं देर ना हो जाए भाई, देर ना हो जाए। सबको इंडिया ने बोला इमीजिएटली, सबको निकलो वहां से, सारे इंडियन आदमी लोग बोला वहां से अभी का निकलो, नहीं तो ये लिफ्ट का मूवी कर जाना पड़ेगा। तो अफगानिस्तान थर्ड राज हम लोग देखे जा रहे हैं, कदार गया, हेरात गया, लक्षर गया, हो क्या रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, नो रेजिस्टेंस, मतलब क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आया। अब देखिए तो अब सबको कहां जा रहे हैं, सबको जा रहे हैं किधर, एक जगह
कहाँ जाना है उन लोग को? काबुल जाना है। अब काबुल से एक जन का लिखी मैसेज देखिए, काबुल में देखिए कब ये ट्वीट है, 12 तारीख का, 8:22 12 तारीख को ये लड़की ने ट्वीट किया काबुल से, टुडे एवरीथिंग चेंज्ड, माय फैमिली इज हैविंग डिस्कशन व्हाट टू पैक, व्हाट टू सेल, व्हाट टू लीव, व्हाट रूट्स टू टेक आउट ऑफ काबुल, कहां जाए तो जाए का, क्या छोड़े, क्या रखे, क्या बेचे, कौन सा रूट लेके काबुल से जाए। आई हैव फेल्ट इल ऑल डे टू द पॉइंट दैट स्लीपिंग पिल्स आरंट वर्किंग, इतना तबीयत खराब है, सोना चाहती हूँ, दवाई ले रही हूँ, स्लीपिंग पिल्स बट नींद नहीं आ रहा। कभी भी काबुल में आता, ये 12 तारीख का पता है, कोई सोचा था कि एक दिन दो दिन के अंदर काबुल आ जाएगा उनके हाथ में, और ये तो 12 तारीख है, तब तक वो सोच रही थी आएगा, आज तो पहुंच ही गए। कल तक जब बोल रहा था मेरे को, मैंने बोला कि हो सकता है 10-15 महीना भर में काबुल उनके हाथ में आ जाए, बट ये तो आ गया। इतना हालत खराब है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब ये रास्ते भाग रहे हैं, सब निकल निकल के भाग रहे हैं, काबुल छोड़ रहे हैं, गजनी छोड़ रहे हैं, कंदार छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि कौन ले लेगा उनको? तालिबान ले लेगा। तालिबान का रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं आपको कुछ फोटोज दिखा नहीं सकता हूँ, वहां पे आप लोग को विचलित कर देगा, बहुत बच्चे लोग भी है, बट आप लोग नहीं समझते, वेरी स्ट्रिक्ट। देखिये हम लोग, मैं आपको एक बार बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तालिबान राइट है, अमेरिका राइट है, इंडिया राइट है, चाइना राइट है, रशिया राइट है, मैं आपके सामने फैक्ट्स लगा रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ तालिबान ये काम कर रहा है तो गलत है, वो ये काम कर रहा है, ये अपना अपना ओपिनियन है, ये अपने को नहीं देखना। एज अ टीचर आई विल नॉट ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन यू व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज दैट विल लीड मिसलीड यू, आपका कुछ अलग ओपिनियन होगा। अब देखिए एक जन ने बोला है कि इंडियन मैप इज रॉन्गली इंटरप्रेटेड हियर, मैं 100 बार ये हर बार बोलता हूँ, 100 बार मैं बात बोलता हूँ, भाई ये गोल से लिया गया मैप है। आप लोग अगर भावनाओं को नहीं समझोगे और आप लोग ये बात को लेके डरोगे, ये उसका मैप है, मैं अभी और मैप दिखा रहा हूँ। आप लोग जिस तरह आप लोग सोच रहे हो ना कि ये हो गया वो हो गया, मतलब इतना दिल पे लेने का दरकार नहीं है सब बात को। हम लोग को पता है कहाँ पे है, बात का बाल का खाल डालोगे तो वही करते रह जाओगे बेटा, पूरा नाम बता दो फिर हम बात करते तुझे। तो यही चीज मैंने आपको बताया कि आप अफगानिस्तान आर्मी पहुंच गया है। अब देखिए, अब इंडिया का जो वो है, इंडिया का जो डिप्लोमैट्स है, एम्बेसडर है, ऑफिशियल्स है, अमेरिका के है, जर्मनी के है, यूएसए के है, यूके के है, उन लोग सब कोई काबुल में एक ग्रीन जोन में रहते हैं। ये ग्रीन जोन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, मोस्ट गार्डेड प्लेस है ये, चारों तरफ से। काबुल में ग्रीन जोन में पता भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उन लोग एकदम स्ट्रिक्टली वहां पे, एकदम स्ट्रिक्टली है, एकदम स्ट्रिक्टली वहां पे चारों तरफ से घेर के लोग रखा हुआ है। ये यूएस एम्बेसी है, सारे प्रेसिडेंशियल पैलेस है, ये काबुल के अंदर ग्रीन जोन है जो फुल सिक्योरिटी है। सब कोई को लग रहा डर कि काबुल में पहुंच गया है वो तो ग्रीन जोन पे अटैक कर देगा। अमेरिका ने उसको बोला है, तालिबान को बोला है कि हम लोग के डिप्लोमेट को मत छूना, सब पीछे कारण है। अब एक बात बताइए, आदमी लोग को तालिबान के घर में नहीं रहना, बहुत जनों को, सब इधर उधर भाग रहे हैं, कहां जाएंगे? अब वही मैप आ जाता वापस, मेरा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आप लोग निकलेंगे ना तो सब इधर उधर के कंट्री में जाएंगे और इंडिया में आ सकते हैं। अब आपको क्या लग रहा है? कई को लगता है इंडिया के साथ उसका बॉर्डर नहीं है, बाहर की तरफ से देखा है तो इंडिया के साथ बॉर्डर नहीं है। इंडिया अभी भी, हम लोग का यही बात है, इंडिया शेयर अ बॉर्डर विथ अफगानिस्तान। देखिए आपको लगे इंडिया अफगानिस्तान तो बहुत दूर दिख रहा है ग्राफ में, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इंडिया अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है एक्चुअल में। ये देखिए, ये देखिए, वो रेड वाला लाइन जो है अफगानिस्तान का बाउंड्री है, ऊपर में जाके देखिए ठीक चाइना जहां पे लिखा हुआ है वहां पे एक रेड लाइन है, और इंडिया का जो पीओके जिसको हम लोग बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां के साथ इंडिया का बॉर्डर है। तो इंडिया अभी भी, हम लोग तो यही मानते हैं पीओके हमारा है, तो अगर पीओके हमारा है तो रेड लाइन जो है वो अफगानिस्तान का हम लोग का बॉर्डर है। तो इंडिया अफगानिस्तान, भारत वर्ल्ड नहीं मानता है, हम लोग मानते हैं कि इंडिया शेयर्स इज बॉर्डर विथ अफगानिस्तान ठीक ऊपर है। तो अब देखिए इतना, ये देखिए एक और दिखा रहे, और क्लैरिटी होगा, वो अफगानिस्तान है, जम्मू एंड कश्मीर है एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया, ऊपर में है कश्मीर वैली एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान, और ये कश्मीर के साथ रेड कलर का ऊपर टच कर रहा है अफगानिस्तान। तो इंडिया शेयर्स इज बॉर्डर, तो बहुत आदमी लोग, हो सकता है आगे वाले के दिलों में अफगानिस्तान से निकल निकल के इंडिया में भी आ जाएंगे, रेफ्यूजी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आदमी लोग लाइन लगा हुआ है, गाड़ी का लाइन लगा हुआ है वहां से निकलने के लिए, सब कोई भाग भाग के निकल रहे क्योंकि तालिबान के अंडर में नहीं रहे। और सबसे बड़ा डर क्या है,
20 साल से जो गवर्नमेंट वहां पे रूल कर रहा है, 20 साल से जो गवर्नमेंट रूल कर रहा है वो तो यूएसए का है, यूएसए सपोर्टेड है, तालिबान तो यूएसए के अगेंस्ट में है। तो तालिबान सबसे पहले मारने जाएगा सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग को, सारे जो जिन लोग यूएसए का सपोर्ट कर रहे थे, तो आप उन लोग भी भागेंगे तो कहां जाएंगे, इधर उधर जाएंगे। बहुत डर ये भी है, ये जो मैप मैंने शुरू में दिखाया था, बहुत डर ये है कि इन लोग निकल के कहां जाएंगे। मैं दिखा रहा हूं आपको, अब भी डर लगने लग गया। देखिए ये, देखिए ये जो मैप है ना, अफगानिस्तान से बहुत पाकिस्तान और इंडिया भी आ सकते हैं, अफगानिस्तान से बहुत जन ईरान तुर्कमिस्तान पार करते हुए टर्की जाके यूरोप में जा सकते हैं। वो सीरिया वाला स्टोरी है ना, सीरिया के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सीरिया में जो सीरिया से निकल के सब कुछ ग्रीस चले गए तो जर्मनी चले गए। अभी से यूरोप का मिनिस्टर लोग, मिनिस्टर से यूरोपियन यूनियन नॉट रेडी फॉर माइग्रेशन क्राइसिस, बोला भाई साहब और बताओ यार, और नहीं पाएंगे यार, इतने काफी और बताओ। मतलब अभी से ही यूरोप डर गया है कि अगर 2021 में इतने आदमी लोग निकल के बाहर जा रहे हैं, उन लोग सीरिया की तरह वापस यही पहुंचेंगे 2-4 साल में, सब धीरे धीरे पार करते करते पहुंचेंगे टर्की, और टर्की से वो लोग फिर यूरोप पे आएंगे। अभी से ही वो मना कर रहा है कि मत करो मत करो मत करो, मेरे पास मत आना गलती से। आप देखिए, और यही मैंने बोला ना, इंडिया का भी एयरलिफ्ट मूवी की तरह सीन चल रहा है, प्लेन उड़ रहे हैं, तनातन प्लेन उड़ रहे हैं कि सारा आदमी को खाली करो, जितने भी आदमी लोग काबुल में है, अफगानिस्तान में है। आज भी अभी अभी 2 घंटा पहले दिल्ली पे एक टू प्लेन लैंड किया है, वहां से आदमी लोग ये आ रही है। अब ये देखिए कार्टून में दिखा रहा हूं, अभी और चीज है, पुल आउट हैज बिगन, एक एक करके यूएस सोल्जर जा रहे हैं वापस। वो बेचारा अफगानिस्तान का आर्मी बेचारा एकदम चुपचाप बैठा है, और ऊपर में तालिबान, ओ अब तो आ गया मौका, पुल आउट हैज बिगन। चलो बेटा 20 साल के लिए मैंने कहा था तुमसे, जितना दिन रहो रहो, तुम्हारे पास पावर है, मेरे पास पेशेंस है, देखते हैं कौन जीतता है। अब देखिए, इट वाज जो बाइडेन ये भी बोलता है, ये लॉन्गेस्ट वॉर है आज तक, अमेरिका ने 20 साल तक लड़ाई नहीं की है, 20 साल तक नॉनस्टॉप अमेरिका लड़ाई कर रहा है, तो वो 20 साल का लॉन्गेस्ट वॉर भाई अमेरिका है। तो बोला 2001 से हम लोग जो लड़ने आए थे, 2021 में उनको जाना ही पड़ेगा, लॉन्गेस्ट एवर वॉर रहे हैं, और तालिबान ने अल्टीमेटली उसको किकआउट कर दिया है। अब देखिए, ये जो निकाल दिया गया है सोल्जर निकाल दिए, यूके बोल रहा है, यूके सबसे खास दोस्त है अमेरिका का, हर चीज में ऑल वेदर फ्रेंड बोला जाता है। यूएस ट्रूप्स विथड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान वाज अ मिस्टेक, यूके बोल दिया कि यूएसए ने काम ठीक नहीं किया, ये इतना जल्दी आदमी लोग को निकाल के, 3,500 आदमी का बात था, नहीं निकालना चाहिए था। अब एक और बहुत ज्यादा खतरा है, 20 साल जो अमेरिका के आदमी थे कहां थे, अफगानिस्तान में, उनको बहुत लोकल आदमी ने हेल्प किया था ट्रांसलेशन में, प्रॉपर एरिया में ले जाने में, सबसे ज्यादा खतरा तो उनका हो गया है। ये जो अफगानिस्तानी ट्रांसलेटर है, अफगानिस्तान लोकल है, उन लोग को एक शर्त में काम कर रहे थे कि जैसे वॉर खत्म होगा हम लोग को एक एक करके हमारा काम खत्म हो जाएगा, हम लोग को कभी आप अमेरिका में बसा दीजिए, कोई न्यूजीलैंड में बसा दीजिएगा, नया हम लोग पिक्चरों में देखते हैं ना कि नया नाम से उसको कहीं भी बसा दिया जाता है, सब उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, नया पासपोर्ट, नया वीजा, नया नाम, नया बच्चा लोग का एडमिशन सब करते हैं। तो अमेरिका ने सीक्रेट डील करा था 18,000 ट्रांसलेटर लोग से, 18,000 ट्रांसलेटर को बोला था तुम्हारा और तुम्हारा फैमिली का जैसे ही काम खत्म होगा हम लोग तुमको दूसरी जगह बसा देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, हम लोग है तुम्हारे साथ, उसी लोग काम करते थे, बहुत जगह तो बसा दिया उन्होंने। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि तालिबान 2-4 दिन के अंदर अफगानिस्तान को पकड़ेगा। सो अफगानिस्तान ट्रांसलेटर हु रिस्क हिज लाइफ फॉर यूएस फियर्स ही जस्ट वेटिंग फॉर तालिबान टू किल मी, बस सब कोई को डर लगा हुआ है। जो बाइडेन वॉज रॉन्ग सभी बोलते हैं, तालिबान एज आई सेड वेरी स्ट्रिक्ट, द तालिबान इज इम्पोजिंग सम ओल्ड रिस्ट्रिक्शन, बुरका फॉर वुमेन, लॉन्ग ड्रेस फॉर मेन, फोर्स अटेंडेंस एट मॉस्क, सब और कुछ नया, बैन स्मार्टफोन और इफ दे हैव म्यूजिक, जस्ट इमेजिन क्या क्या रूल्स है, बुरका, लॉन्ग बियर्ड, फोर्स अटेंडेंस, चलो ठीक है, बैनिंग म्यूजिक, मतलब म्यूजिक बैन देना, पीपल हाइडिंग देयर टीवीज एंड डीलिंग म्यूजिक फ्रॉम द फोन, ग्रो बियर्ड, बिकॉज तालिबान एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट है, कोई कसर नहीं। एक जन ने पूछा, टीवी में दिखाया था बीबीसी में, कि आप चोरी करते तो किसी का हाथ काट देते हो, क्या गलत, ये क्या बात है, मतलब वो एक हाथ जो कटता है ना उसके अंदर 1,00,000 चोरी रुक जाता है। तो आप लोग ये मत सोचो कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, उसके कारण हम लोग अपना गेट खुला छोड़ के जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं करता। देखिए प्रोस एंड कॉन दोनों साइड होते हैं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला कि वो राइट है कि ये रॉन्ग है, बस उन लोग बहुत स्ट्रिक्ट है ये बता रहे। अफगानिस्तान के जो तालिबान है इनके पास इतने पैसे आते क्या है, उनके बम मसला आया कहां से, हथियार आए कैसे, उन लोग बहुत चरस गांजा का खेती करते हैं। ये देखिए अफगान ओपियम पॉपी फार्मिंग हैज ग्रोन,
लोग इतना फार्मिंग करते हैं ना, वही सारा वर्ष पे बेचते हैं, उसी पैसा से लोग खरीदते हैं सब। देखिए अब ये मैंने फोटो दिखाना चाह रहा हूँ आपको, एक फोटो था, मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, बच्चों भी है। अब सबको यूएस एम्बेसी इन अफगानिस्तान इंस्ट्रक्ट पर्सनल टू डिस्ट्रॉय। कल का बात है, कल बोला गया काबुल में जो अच्छा जो डॉक्यूमेंट्स है सबको उठा के कहीं लेके जाए, आदमी लोग को लेके जाना है, जला दो सबको, जला दो सारा सेंसिटिव मेल जो लिखता है उसको जला दो। काबुल तालिबान के हाथ में नहीं आ चाहिए, तालिबान है। अब तालिबान ने कल कहा देयर इज नो डेंजर फ्रॉम आवर साइड टू डिप्लोमेट एंड एम्बेसीज, वी वोंट टारगेट, कोई ज्यादा कई जगह दरकार नहीं है। और वो इंडिया से भी जो जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है वो तो इंडिया का दोस्त है, यार ही है ईमान मेरा या तेरी जिंदगी, 20 साल से इंडिया ने बहुत रुपये इन्वेस्ट किया है। अब वो अफगानिस्तान का जो अच्छा अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट आपने बताया अशरफ घानी उसका नाम है जो भी भाग गया है, अशरफ घानी जो है वहां प्रेसिडेंट, हम लोग जैसे मोदी है पाकिस्तान का, इमरान का है, जो बाइडन है उसका, अशरफ घानी इज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। वो इंडिया से भी हेल्प मांगा था, तो तालिबान ने बोल दिया गलत करोगे गलती से मत आ जाना, नहीं तो यहाँ पे कोई नहीं टिका, अमेरिका हार के मार के चला गया तो तुम क्या हो। नाटो जो एक बहुत फेमस बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का मिलिट्री का, जो यूएस यूके बनी है, उसके भी कमांडर ने कहा कि यूएसए ने गलती कर दी, अमेरिका ने इतने सारे सिपाही को एक साथ नहीं निकालना चाहिए था। आप देखिए ये कल तक हम तो समझ नहीं आया कि एवरी डे नया स्पीच दे रहा है, कुछ नया चीज हो रहा है। कल तक का पीपीटी था कि एक तो पीस डील हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा, वो ये जो अशरफ गानी है उसने डील दिया तालिबान को, लो शेयर कर लेते हैं दोनों जन एक साथ रूल करते हैं। तो तालिबान बोला पागल है क्या, हम 20 साल वेट किया, तुम भाग रहा है, तुम हमको डील ऑफर कर रहा है, हम अकेला राज करेंगे 50-50 करेगा, तो उसको कैंसिल कर दिया गया। चाइना टोटली रेडी है तालिबान को, इफ काबुल फॉल्स, दिल्ली जिसकी उसी का हिंदुस्तान, काबुल जिसका उसका अफगानिस्तान। चाइना बोल रहा है अगर काबुल गया तो तालिबान को वो सपोर्ट करने को रेडी है। देखिए ये जो मैंने दिखाया अभी और दिखा रहा हूं, देखिए एक मिनट रुकिए, ये जो मैंने आपको बताया कि एनाकोंडा, कल तक तो मैं बोल रहा था एनाकोंडा को की तरह उसको घेर लिया है, बट एनाकोंडा इतना फास्ट नहीं खा होता, खाता अपना शिकार को जिस तरह। सबसे बड़ा गलती क्या हो गया, सभी छोड़ दिए, सरेंडर कर दिए, लड़ाई हुआ ही नहीं ना, लड़ाई होता तब तो बात, तक तो टाइम लगता, वो आ रहा है सरेंडर भाई जो करना है कर लो। तो मैंने अभी और वहां पे सब आदमी लोग थर थर कांप रहे हैं, अफगानिस्तान में सब कुछ, क्योंकि सबने 20 साल में तो अमेरिका को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया होगा, प्लस सपोर्ट नहीं भी किया हो तो उनको तालिबान का जो स्ट्रिक्ट रूल्स है उसके अंडर में रहना पड़ेगा। वुमेन लोग पर इतना रेस्ट्रिक्शन, मेन लोग के ऊपर इतना, गाना नहीं सुन सकते हो, पिक्चर नहीं देख सकते हो, नमाज पढ़ो, ये सब करो। मैं फिर बोल रहा हूँ कोई साइड नहीं ले रहा हूँ, वो जो बोल उनके लिए स्ट्रिक्ट है उसके लिए बात है। इसलिए मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी रिलीजन हो, काउंट योर ब्लेसिंग। हम लोग यहाँ पे है जब समझो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सोचो वहां कहीं होते तो क्या होता, तो काउंट योर ब्लेसिंग जो ऐसा बता के लिए है। देखिए अब ये वॉर में इंडिया का थोड़ा नुकसान ज्यादा होने का चांस है, 20 साल में इंडिया बहुत रुपया इन्वेस्ट किया है, बहुत रुपया इन्वेस्ट किया है अमेरिका में, सॉरी अफगानिस्तान में, डैम्स, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, रोड्स बहुत बनाए हैं इंडिया ने, वो सारा रुपया खतरे में जा सकता है क्योंकि तालिबान। अब देखिए इंडिया का दोस्त क्या है, कौन था वहां का गवर्नमेंट, अब दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त है, तालिबान है उसका दुश्मन का दोस्त होता है, तो दोस्त का दोस्त दुश्मन होगा, तो तालिबान का लाइन था अफगानिस्तान का उससे, और तो गवर्नमेंट से, और अफगानिस्तान का गवर्नमेंट हम लोग का दोस्त है, तो देखा है तो हमारा से भी लड़ाई है, और कश्मीर को लेके तो पंगा पहले ही चलता ही रहता है। देखिए इसमें क्या हो सकता है, सबसे बड़ा गड़बड़ क्या हो सकता है, कश्मीर में ना बोलते ना मॉरल सपोर्ट मिल सकता है, कश्मीर के आतंकवादी लोग टेररिस्ट लोग को बोल लगेगा अरे यार तालिबान ने अफगानिस्तान को ले लिया हफ्ते भर में ले लिया, मजाक है, हम लोग क्या कम है, हम लोग भी चलेंगे, तो ये मॉरल सपोर्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा मिल जाएगा, ये बहुत गलत काम हो सकता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, एक तो बहुत जगह एक तो सुना मैंने 20 साल पहले अमेरिका ने तालिबान को हटाया, 20 साल पहले अमेरिका ने तालिबान को हटाया, 20 साल बाद जा रहे हैं, क्या देखे जा रहा है, आप लोग सोचो 3 लाख ट्रेंड सोल्जर्स, अब तो तालिबान के लिए काम करेंगे, नहीं करेंगे तोड़ा दिया जाएगा, 3 लाख ट्रेंड सोल्जर्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, जो सब अफगानिस्तान आर्मी के लिए रख के गया था अमेरिका, वो सारा तालिबान ले लिया, ओए बले बले, लॉटरी हो गया उसकी, तो उसको सब कुछ जो वो खरीदता चोरी करके लाता उसके तो गन है, वो गन से लड़ाई करता, वो सब वापिस आ गया और सब उसके पास ही हो गया। देखिए यहां पे एक ना आज मैंने देखा पूरा अफगानिस्तान काबुल में
बैंकों के सामने लाइन लगा हुआ है, सब अपना रुपया निकाल रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या डिसीजन लिया जाएगा, क्या होगा किसी को नहीं पता। देखिए अब आपको बोला नहीं, इसे तालिबान तो छोड़ेगा नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर एक दो, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। इसीलिए बोलते हैं कि जो इसे दिखाया, हाँ ये जो उसने स्पीच दिया था सबसे गलत स्पीच दिया था, उसने बोला था कुछ नहीं होगा, ये है वो है, सब गलत प्रेडिक्शन। ये देखिए, ये अफगानिस्तान का आर्मी, ये अफगानिस्तान का आर्मी है, आपको लगा अमेरिकन है, नहीं ये अफगानिस्तान का फुली ट्रेड आर्मी है, जो हाथ अपना सब हथियार बतियार छुपा गया है, फुल्ली ट्रेड आर्मी। उसके बदले मैं वो दिखा रहा हूं आपको, देखिए ये, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, देख लीजिएगा किस तरह भाग रहे हैं, जैसे जैसे तालिबान शहर की तरह आ रहा है, सारे अफगानिस्तान की जो फोर्स है, लोकल फोर्स है, वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के भाग रही है। देखो ये देखो, सब भाग रहे हैं, लोकल आदमी लोग बोल रहे हैं रुको यार, अभी देखा आप, सब भाग रहे हैं। ये देखो बड़ा बड़ा अटैक, ये सब तालिबान का नहीं है, तालिबान तो कुछ ही नहीं है, ये सब अफगानिस्तान आर्मी है, सब अपना बोरिया बिस्तर टैंक पैंक ट्रक व्रक लेके भाग रहे, बचा सको तो बचाओ, सब भाग रहे हैं। मतलब लड़ाई होता तब तो होता, लड़ाई हुआ ही। देखिए और दिखा रहा हूं मैं और ये तालिबान के सोल्जर्स, कोई कुछ नहीं है, एक हाथ में गन है और कपड़ा वो कुर्ता पजामा पहन के बस चले जा रहे हैं खुलेआम, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गॉगल्स नहीं, कोई नाइट विजन नहीं, कोई बम नहीं, कुछ नहीं, बस एक रॉकेट लॉन्चर हाथ में है और गन है। अब देखिए और वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, पूरा उन्होंने वो खोल दिया, जेल खाली कर दिए, जेल खाली कर दिया, ले बेटा ले, जेल का सब आदमी को छोड़ दिया, सारे कैदी लोग को छोड़ दिया गया, खोल दिया जेल। ये देखो आदमी पागल हो गया खुशी से, सब पागल हो गए खुशी से, पागल हो गए आदमी, और वो भी आदमी। देखिए एक और सीन, किस तरह गाड़ी भाग रहा है, देखे जाइएगा आप लोग, सब अफगानिस्तान गवर्नमेंट का आर्मी है, रोक नहीं रहे अपने आपको, डर के भाग गए सब के सब। हम लोग को हंसी आ होगा, लेकिन जो मैं इस तरह प्रेजेंट कर रहा हूँ वो लग रहा होगा, लेकिन जो उन्होंने कर दिया धमाल बिल्कुल। और अब आप लोग देखिएगा, कोई हम लोग लगा था यार अब तो 2000 साल अफगानिस्तान बोलता है, अफगानिस्तान बोला कि अमेरिका क्या कंडीशन दिया कि हम लोग जिंदगी भर वहां रह नहीं सकते, गलत बात है। हम लोग का पर्पज था उड़ाना, उड़ा दिया। हमारा पर्पज था अफगानिस्तान आर्मी को ट्रेन करना, कर दिया। हमारा था अफगानिस्तान को सिपाही इक्विपमेंट देना, दे दिया। अब उनकी जंग है, उन लोग लड़े, हम क्यों लड़े। अब देखो क्या किया है, पूरा बवाल। इससे बड़ा मिस्टेक, बिगेस्ट ब्लंडर एवर मेड बाय अ सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट, उसे सारे प्रेडिक्शन रॉन्ग किए। अब 3000 था, 5000 आदमी भेज दिया, लेकिन क्या करेगा, अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, सब खत्म हो गया। अब वो खत्म हो गया, अब वो अशरफ गानी भाग गया, कल क्या होगा, इंडिया का तो रुपया गया, रुपया क्या होगा पता नहीं, संग में टेररिस्ट एक्टिविटीज का खतरा और बढ़ गया है, जो अच्छा दोस्त था बीच में वो भी चला गया, सब गड़बड़ घोटला हो गया। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट जो बाइडेन डन एंड दिस। ये अब तुषार सबका वॉइस खोल दो, मेरे पास और बहुत चीज है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल सेकेंड सेशन करूंगा, जो नया सेशन होगा। आप लोग मेरे को बताइए कैसा लगा आप लोग को क्लास, तुषार सबका वो खोल दो, खोल गया सर। आप लोग बता सकते हो कि या कोई क्वेश्चन हो तो मैं क्वेश्चन लेने को रेडी हूं। वेरी गुड, वेरी गुड लगा आपको, जो जो अच्छा सेशन है, एक्सीलेंट, जबरदस्त सर, जबरदस्त जबरदस्त, रियली गुड सर, अनबिलीवेबल सर। वो जेल वाला मस्त था सर, जो जैसे निकल के उसको गले मिलाना मजा आ गया। अरे वो और बड़ा है, और बड़ा है, सब इसको पाव चुप रहा है, कूद रहा है, अभी दिखाता है, जब तो बोल ही दिया था, देख ही लो, वो जेल वाला तो गजब ही, हम लोग पागल हो रखा है सबका सब। और ये हीरो देखो, ये वाला हीरो दिख रहा है तुम लोग को, क्या गजब लग रहा है, लड़का पता नहीं कितना बड़ा मिलिट्री का आइटम पे जा रहा है, क्या फतेह करके आएगा सर, अपना पर्चे अपना झंडी गाड़ पाया हीरो के, सब जीरो साला, मतलब बोलते है ना वो हाथी के टर्मिनेटर लग रहा है। और ये अब इसका वीडियो भी जाएगा, बहुत मजा आया। हां कैसा लगा, अभी आप लोग बहुत जन छोड़ के जा रहे हो, गलती करोगे, बहुत बड़ा पार्ट।